चांदपुर नगर में गुरुद्वारा साहिब समिति के तत्वधान में गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा धनोरा रोड स्थित गुरुद्वारे से होकर नेहरू चौक, दिल्ली बाजार, शंकर बाजार, बाजार बजरिया होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां थीं। एक झांकी में बाज पक्षी आकर्षण का केंद्र रहा। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार अच्छन सिंह लोहिया, सचिव प्रवींद्र सिंह रिक्की, खजांची कोमल सिंह डिगावा, ऑडिटर गुरु ज्ञान सिंह पोथीवाल, संचालक प्रभु दीवान सिंह प्रेमी, साहित्य सैकड़ों श्रद्धालु शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा में रिक्शा ऊपर गुरु नानक जी के सुंदर चित्र लागे हुए महिलाएं कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थीं। दो अखाड़ों में बच्चे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। सेवनिवृत्त सैनिकों का बैंड भी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। छोटे बच्चों की टोली भी कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थी। अंत में एक सुंदर बस में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा था, जिसमें प्रसाद भी वितरित किया जा रहा था। शोभा यात्रा के मंडी कोटला पहुंचने पर श्री रामलीला समिति चांदपुर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। समिति की ओर से फल, चाय एवं समोसों का वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता, ब्रिजेश कौशिक, राकेश गुप्ता, सौरभ राणा, आशु गोयल आदि स्थापित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? अच्छन सिंह लोहिया। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, चांदपुर प्रधान, आज जो शोभा यात्रा निकल रही है, इसके संबंध में बताएंगे? शोभा यात्रा बताइए। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर शोभा यात्रा 554वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं। इस साल भी मनाया जा रहा है, साल से निकल रहा है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है सब संगत की तरफ से। आप और आपके पूरे शहर को लख लख बधाइयां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।